भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर निर्वासित तिब्बत सरकार के मुख्यालय धर्मशाला में सीटीए सचिवालय में निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रेसिडेंट डॉक्टर लोबसांग सांगे, मंत्रियों और सांसदों ने एक संक्षिप्त समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रेसिडेंट डॉक्टर लोबसांग सांगे की अगुवाई में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन नेतृत्व में सांसदों और विभिन्न विभागों के प्रमुखों, सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जहां निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रेसिडेंट डॉक्टर लोबसांग सांगे ने भारतीय ध्वज फहराया और महात्मा गांधी की फोटो के आगे दीप जलाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चल गुलामी की जंजीरों में कैद तिब्बत को आजाद करवाने का संकल्प निर्वासित सरकार व पदाधिकारियों ने गांधी जयंती पर लिया। महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत को ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। उन्हीं के दिखाए मार्ग पर धर्मगुरु दलाई लामा तिब्बत को आजाद करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रेसिडेंट डॉक्टर लोबसांग सांगे ने बताया कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन में तिब्बती समुदाय भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के मंत्री व सांसद धर्मशाला को साफ सुथरा रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सफाई अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने संकल्प लिया है कि जहां कहीं भी तिब्बती लोग भारत में रह रहे हैं, वे सभी स्वच्छ भारत मिशन में भारत को साफ रखने के लिए काम करेंगे। डॉक्टर लोबसांग सांगे ने बताया कि वे इस वर्ष को थैंक यू इंडिया वर्ष के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि थैंक यू इंडिया कहकर ही नहीं बल्कि कुछ भारत के लिए करें उसको लेकर भी भारत को स्वच्छ रखने की मुहिम में भी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि तिब्बत मुद्दे को हल करने के लिए परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद के तहत सीटीए अहिंसा के मार्ग पर चल अपनी लड़ाई लड़ रहा है। भारत की तरह हम तिब्बत लोग हमारी आजादी के संघर्ष में अहिंसा का पालन करते हैं। हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि हम भारत की तरह तिब्बत को आजाद करवाने में अहिंसा के रास्ते पर चलकर सफल होंगे और गांधी जी के उपदेश जैसे पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, स्वास्थ्य और खासकर शिक्षा को हम लोग भी बहुत मानते हैं। गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा का संदेश दिया था, वो उस समय भी प्रासंगिक था और इस समय भी ज्यादा प्रासंगिक है। डॉक्टर लोबसांग सांगे ने कहा कि हम गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर उनका द्वारा बताए गए परामर्शों को दिल में रखकर अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं और वह ये सोचते हैं कि जैसे भारत को स्वतंत्रता अहिंसा से सफलता मिली, वैसे तिब्बत की आजादी में भी सफलता मिले। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती एक पावन दिवस है, वह सफल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जनक है। आज गांधी जयंती में सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन स्वच्छ भारत इनिशिएटिव, भारत सरकार का वो इनिशिएटिव है, उसमें हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो सीटीए की स्टाफ जो है यहाँ सीटीए से जोगी भारत से मैकलोडगंज और कहीं लोग हेल्थ मिनिस्टर जो है वहाँ टीसीबी की तरफ जाके आज धर्मशाला के साफ करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि धर्मशाला एक टूरिस्ट की जगह है। वैसे हमने ये भी अर्ज किया है कि तिब्बती लोग जहाँ भी भारत में हैं उनका नेबरिंग विलेजेस टाउन जो है उसमें भी स्वच्छ भारत इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह हम इस साल थैंक यू इंडिया साल मान रहा है, तो हमारे तरफ से हार्दिक शुक्रिया अदा श्री शब्द में नहीं कुछ करके भी भारत साफ रखने के लिए पार्टिसिपेट करें। और महात्मा गांधी के विचारों को सर आप कैसे देखते हैं? आज महात्मा गांधी तो फादर ऑफ द नेशन है और उनका अहिंसा आइडियोलॉजी जो है वो परम पावन दलाई लामा जी बहुत मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, इसलिए यही आज दिन भी इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी है, इसलिए हम लोग फिर नॉन वायलेंस को कमिट करके हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट जो है गांधी जी का अहिंसा नॉन वायलेंस की पाथ फॉलो करें।